दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी की मोस्ट डिमांडेड हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो। 1 अप्रैल 2023 को मारुति सुजुकी बलेनो के अपडेटेड वेरिएंट को इंडिया में मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया था। ये कार कई सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है, सभी की ये कार फेवरेट है। आपको इस कार में 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है। इसके साथ ही ऑटो डिमिंग, IRVM, फुटवेल लैंप, LED फॉग लाइट्स मिलती है। 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल के साथ ये कार आती है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, प्राइजेस और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के बारे में। ये कार आती है 9 वेरिएंट्स में। बेस वेरिएंट है बलेनो सिग्मा MT। बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 6.66 लाख रुपीज। इस लाइनअप का टॉप वेरियंट है बलेनो अल्फा AGS। टॉप वेरियंट की एक शोरूम प्राइस है 9.88 लाख रुपीज। दोस्तों आज हमारे सामने मारुति सुजुकी बलेनो अल्फा MT। इस वेरियंट की एक शोरूम प्राइस है 9.38 लाख रुपीज। इसके साथ ही ये कार 7 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका आर्टिक व्हाइट कलर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। फ्रंट में सुजुकी का लोगो पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल मिलता है। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ ये कार आती है। टेल लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स और फॉग लाइट्स भी LED मिलती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। 16 इंच के बहुत ही बढ़िया अलॉय व्हील्स के साथ ये कार आती है। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 195/55 R16 की। फ्रंट में आपको मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक्ट सस्पेंशन, रियर में मिलता है टॉर्शन बीम सस्पेंशन। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर बॉडी कलर्ड मिलते हैं। ORVM माउंटेड टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इस कार के मिनिमम टर्निंग रेडियस है 4.85 मीटर्स। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं। कार के एक्सटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं। ड्यूअल टोन में आपको डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, ORVM ऑटो फोल्डिंग के साथ मिलते हैं। लॉक अनलॉक का बटन, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। आपको इस कार में कई सारे फीचर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल के साथ ये कार आती है। HUD आपको इस कार मिलता है। ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के कंट्रोल नीचे मिलते हैं। 360 पार्किंग असिस्टेंस, हेडलाइट हेड एडजस्टर, पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ ये कार आती है। अब हम बात करने वाले इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। दोस्तों आपको इस कार में एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव लगता है। इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप के साथ ट्रिप मीटर मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MT आपको इस कार मिलता है। डिजिटल क्लॉक के साथ ये कार आती है। लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर मिलता है। इसके साथ ही गियर इंडिकेटर, सेफ्टी इंडिकेटर, हेडअप डिस्प्ले भी आपको इस कार मिलता है। टैकोमीटर एनालॉग मिलता है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। टेलीमेटिक्स में फाइंड माय कार वाया ऐप, विचेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियोफेंस, इमरजेंसी कॉल, OTA अपडेट्स, कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, इसके साथ ही कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग मिलती है। एलेक्सा कॉम्पेबिलिटी के साथ ये कार आती है। स्टेयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। आपको इस कार में 9 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो आता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, वो भी वायरलेस। इंटीग्रेटेड इन डैश म्यूजिक सिस्टम के साथ 6 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड आपको इस कार मिलता है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का 360 पार्किंग असिस्टेंस, कैमरा विद गाइडेंस की फंक्शनिंग देख रहे हैं। नए यूजर्स के लिए ये फीचर काफी कारगर साबित होता है। GPS नेविगेशन सिस्टम आपको इस कार में मिलती है। इसके साथ ही ब्लूटूथ, ऑक्सिलरी, USB कॉम्पेटिबिलिटी मिलती है। स्क्रीन के ऊपर हम बहुत सारे व्यूज देख रहे हैं। डिस्प्ले के डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। हजार्ड लाइट का बटन, AC वेंट्स की डिजाइन। आपको इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। एयर कंडीशनर के लिए छोटा डिस्प्ले भी मिलता है। एयर कंडीशनर के कंट्रोल्स काफी स्टाइलिश लगते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB टाइप ऑक्सिलरी पोर्ट, मोबाइल रखने के लिए जगह। फ्रंट में आपको ट्विन कप होल्डर मिलता है। ट्विन कप होल्डर हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। गियर नॉब, पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको विद स्टोरेज मिलता है। एडजस्टेबल ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको इस कार में मिलता है। रियर AC वेंट्स। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। फैब्रिक्स की सीट आपको इस कार मिलती है। कीज के ऊपर आपको सुजुकी का लोगो और लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। कीज की डिजाइन काफी स्टाइलिश लगती है। ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बटन होल्डर के लिए जगह। डैशबोर्ड के ऊपर सिल्वर एलिमेंट मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। ग्लो बॉक्स की डिजाइन,
को पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर और लाइट्स मिलती है। एयरबैग से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए मिलते हैं, केबिन लाइट्स। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर और लाइट्स मिलती है। IRVM ऑटोमेटिक फंक्शंस के साथ मिलता है। स्टीयरिंग के ऊपर सुजुकी का लोगो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में 8-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6-way मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट मिलता है। दोस्तों अब हम चलने वाली इस कार के रियर सीट्स की ओर और देखेंगे कि रियर सीट्स के ऊपर आपको कितना स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है, कितनी लेग रूम मिलती है। कार के इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। ब्लैक और ब्लू कलर में आपको इंटीरियर ड्यूल टोन में मिलते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं। कार की साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश लगती है। रियर में आपको LED टेल लाइट्स मिलती है। अब हम चलने वाली इस कार के रियर सीट्स की ओर। आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है। इस कार की सीटिंग काफी कंफर्टेबल है। डोर की इंटरनल डिजाइन, इंटरनल डोर हैंडल विद क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, डोर के ऊपर आपको ब्लू कलर में लेदर फिनिश मिलता है। रियर से ही हम इस कार के डैशबोर्ड की डिजाइन देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगती है। आपको इस कार में फैब्रिक के सीट मिलते हैं। रियर एसी वेंट्स, एसी के कंट्रोल्स, नीटेड 12 वोल्ट और सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिलता है। मोबाइल रखने के लिए जगह, बहुत ही बढ़िया लेगरूम के साथ ये कार आती है। केबिन लाइट्स, ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल क्रोम फिनिश, विंडोज के कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, सीट बेल्ट एंकर पॉइंट, आइसोफिक्स ऑप्शन आपको इस कार में मिलता है। फ्रंट और रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर मिडल हेडरेस्ट, पार्सल ट्रे। बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। रियर पैसेंजर सीट टाइप बेंच वाले मिलते हैं। रियर आर्मरेस्ट आपको इस कार में नहीं मिलता है। स्प्लिट रियर सीट रेशियो 60:40 का है। फ्रंट सीटबैक पैकेट्स के साथ ये कार आती है। हेडरेस्ट आपको फ्रंट और रियर में मिलते हैं। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के रियर की ओर, देखेंगे रियर के लुक्स कैसे लगते हैं और आपको इस कार में कितना बूट स्पेस मिलता है। कार के रियर लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। LED टेल लाइट्स के साथ ये कार आती है। बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार मिलता है। रियर में सुजुकी का लोगो, बलेनो की बैजिंग मिलती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर रिफ्लेक्टर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स। इस कार की लेंथ है 3.99 मीटर्स, विड्थ है 1.745 मीटर्स, हाइट है 1.5 मीटर, व्हील बेस है 2.52 मीटर्स। इस कार का कुल वेट है 955 केजी। आपको इस कार में 5 डोर्स मिलते हैं। कार में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। नंबर ऑफ सिटिंग रोज 2 मिलते हैं। LED टेल लाइट्स, नेक्सा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, रियर पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट लाइट, नंबर प्लेट के लिए जगह, ग्राउंड क्लियरेंस हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार मिलता है। रूफ माउंटेड एंटीना, स्पॉयलर्स, स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, क्रोम इलेमेंट। कार के रियर लुक्स काफी स्टाइलिश लगते हैं। अब हम चलने वाले इस कार के बूट स्पेस की ओर। आपको इस कार में टोटल 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कार के इंटीरियर हम रियर से देख रहे हैं। इंटीरियर काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको इस कार में 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। पार्सल ट्रे, बूट स्पेस हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मिंडा के एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स। बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार में मिलता है। बूट लाइट, ग्लॉसरी बैग हैंग करने के लिए हुक्स भी मिलते हैं, बॉटल होल्डर मिलता है। आपको इस कार में स्पेयर व्हील स्टील रिम के साथ मिलता है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का स्पेयर व्हील देख रहे हैं। स्पेयर व्हील की साइज है 185/65 R15 की। ब्लैक कलर में आपको स्पेयर व्हील मिलता है। बहुत ही बढ़िया स्पेस के साथ ये कार आती है। लॉकिंग की अरेंजमेंट, डोर हैंडल, अनलॉक का बटन, लॉकिंग की अरेंजमेंट, डोर सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मिलता है। अब हम बात करने वाले इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। आपको इस कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्रेक असिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल के साथ ये कार आती है। इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग कीलेस मिलती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको इस कार में मिलता है। कार के इंटीरियर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। कई सारे फीचर्स आपको इस कार में मिलते हैं। बोनट ओपन करने के लिए लीवर, फ्यूल लिड ओपनर, ऊपर आपको स्पेस मिलता है। मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स ऑफ सीट्स। अब हम बात करने वाले इस कार के सेफ्टी के बारे में। ओवर स्पीड वार्निंग आपको इस कार मिलती है। 6 एयरबैग्स के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में रियर मिडल 3-point सीट बेल्ट, चाइल्ड सेफ्टी एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है। कार के फ्रंट लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक्सटीरियर में रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं।
दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। आपको इस कार में मिलता है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व डुओ एससी 1.2 लीटर वीवीटी पेट्रोल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर ऑफ 88 bhp, ब्रेक ऑयल टैंक, वाइपर वाटर फिल करने की जगह, लॉकिंग के अरेंजमेंट, रेडिएटर, कूलेंट टैंक, बैटरी की पोजीशन। ये कार प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 113 न्यूटन मीटर। इस कार की एयर एआई सर्टिफाइड माइलेज है 23.35 किलोमीटर पर लीटर। आपको इस कार में ड्राइविंग रेंज 27 किलोमीटर की मिलती है। आपको इस कार में फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ट्रांसमिशन मैनुअल 5 गियर्स के साथ मिलता है। इस कार के इमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। आपको इस कार में ORVM बॉडी कलर मिलते हैं। पावर विंडोज फ्रंट और रियर में मिलते हैं। वन टच डाउन और अप का ऑप्शन ड्राइवर के लिए मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रेसेबल ORVM ऑटो फोल्डिंग के साथ मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। रियर डिफॉगर रियर वाइपर के साथ ये कार आती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं। कार की साइड प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। इंटीरियर डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं। डोर पॉकेट्स आपको फ्रंट और रियर में मिलते हैं। बूट लिड ओपनर इलेक्ट्रिक टेलीगेट रिलीज के साथ मिलता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। आपको इस कार में मिलती है 2 साल की 40,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। अट्रैक्टिव लुक्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये फ्यूल इफिशियंट कार आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स हर्षवर्धन सर, सागर नलवडे सर, ऑल द स्टाफ ऑफ मारुति सुजुकी नेक्सा, चौगुले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बीबीओडी पुणे एंड चौगुले ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मारुति सुजुकी नेक्सा चौगुले इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बीबीओडी पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।